इतना प्यारा लग रहा है ना ये स्नो के बिना, इतना खुला खुला लॉन, मज़ा आ रहा है अब देखने में इसको। बढ़िया ग्रीन हो जाएगा, अभी बस स्टार्ट हो ही गया है। वो देखो सारे प्लांट्स बस एकदम से ग्रीन हो जाते हैं। तो ये बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी हवा चल रही है और धूप आई हुई है। कल भी पूरा दिन बारिश थी, उससे पहले भी बारिश थी। दो दिन से मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि बारिश थी और मैं कहीं निकला ही नहीं घर के बाहर। इट इज़ 12:25, 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर था, वो पूरा कंप्लीट किया। जैसे जैसे फोर्थ ईयर कंप्लीट होने वाला, 3 महीने रह गए, 3 या 4 महीने बस फटनी भी स्टार्ट हो गई है। शुरू करते हैं आज का दिन। जय श्री राम, राधे राधे, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। हेलो ये बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, रोज आते जाते हैं, हेलो हेलो। पर ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों को अभी इंग्लिश सिखा रहे हैं, स्कूल सिखानी भी चाहिए या एटलीस्ट इनका यूथ तो बोले इंग्लिश, नहीं तो ये रशियन और कजाक, इनके बस उसके अलावा कुछ नहीं आता। लास्ट पीसेज ऑफ स्नो, वॉक करने निकला हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा अनहेल्दी हो गया हूँ मैं, एक्सरसाइज की नहीं है मैंने पिछले 6 महीने से, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है पूरे दिन में। थोड़ा सा वो भी ऐड करना है, पढ़ाई भी ऐड करनी है भाई। मेरे घर से जस्ट 5 मिनट्स वॉक है और ये वाला थोड़ा एरिया जो है ना बैकवर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये बन रहा है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग तो बन रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, देखो क्रेन व्रेन लगी हुई है। तो आई वॉज राइट, ये आप देख पा रहे हो तो देख लो, कीचड़ आगे ज़्यादा दिखा नहीं सकता। यही बन रहा है यहाँ पे, ऑडिटोरियम है इसके अंदर, ये स्कूल टाइप बन रहा है बढ़िया। इट फील्स लाइक आई एम वॉकिंग इन सम विलेज, बट यहाँ पे जो घर बने हुए हैं ना, मतलब बाहर से लगेगा कि यार क्या झोपड़पट्टी सी बना रखी है। बाहर देखा अभी मैंने, पीछे पासवर्ड प्रोटेक्टेड हाउस है, जैसे वो कैमरा लगा के ना प्रॉपर, एक तो इंटरकॉम तो है ही हर जगह, बात तो हो ही जाती है, कैमरा लगा हुआ है प्रॉपर कि देखेंगे भी कोई कौन है, फिर उसके बाद गेट खुलेगा। इस एरिया में थोड़ा एक आइडिया लो कि कहाँ पे हूँ मैं अभी। ऐसे लग रहा है बिल्कुल बंजर सा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बट घर ऐसे ऐसे बना रखे हैं बढ़िया। वही है, लोग थोड़ा शांति में रहते हैं यहाँ पे बाहर, गाड़ियाँ अच्छी अच्छी दिख जाएंगी आपको यहाँ भी, बट है बिल्कुल आउटर। तो ये वो जो रोड आ गई, आगे से जाके जहाँ मैं लाइब्रेरी जाता हूँ राइट लेता हूँ आगे से, अब अपने एक यू टर्न बना लेते हैं यहाँ से। मज़ा आ रहा है घूमने में आज, मतलब मौसम साफ हो गया है ना, बड़ी बात वो है। 15 दिन में देखना है, जितने पेड़ दिख रहे हैं ना आपको सारे हरे मिलेंगे, सिर्फ 15 दिन दे दो बस। बहुत जल्दी ग्रीनरी होती है अलमाटी में। ये दुकान थी यहाँ पे, ये भी भाग गई क्या कहीं पे, ये बैठी। डर मत डर मत, इसके लिए कुछ लेने गया मैं अंदर से, बट था ही नहीं कैट फूड। हाँ जी चलो भाई, आधा घंटा कंप्लीट, बढ़िया वॉक हो गई और आ गया घर पे। अब करते हैं अब इसके बाद वीडियो एडिटिंग वाला काम और फिर खाना बनाते हैं। सवा छः हो गया, अब निकलो मैं, वीडियो वगैरह पब्लिक करने में बहुत टाइम निकल गया। एडिट किया, उसको थंबनेल बनाया सारा, फिर मैंने कहा अब करके निकलता हूँ, छोड़ो जो टाइम लगेगा लगेगा, फिर उसको एडिट और पब्लिक करा, अब जाके मैं निकला हूँ। हर बात पे देखते हैं क्या माहौल है। ज़्यादा देर उनके लगी हुई हैं हज़ार पास पे, अब चलते हैं आगे कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट जो होता है ना यहाँ पे नौरोज़ वाले टाइम पे, वो दिखाता हूँ जाके।
की दास्तां है सेनोरिटा ये चाहत की। ग्यारह बज गए और घर में आ गया था टाइम पे और अब खाना वाना खा लिया मैंने। वैसे वहाँ पे भी डोनर खा लिया था जहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया उसके बाद मैंने वहाँ पे, फिर मैंने कैमरा बैग में डाल दिया था। एक ज़्यादा दोनों चीज़ें संभाली नहीं जाती, एक भाई फ़ोन एक कैमरा। खत्म करते हैं आज के दिन को यहीं पे, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में एक और नए दिन में। राधे राधे।